हाय गाइस, मेरा नाम है संदीप और आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ मुंबई का सबसे बड़ा हॉस्पिटल जेजे हॉस्पिटल, जेजे ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल। ये एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल है गाइस, और यहाँ आने के लिए आपको कहाँ से आना पड़ेगा इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ गाइस। इस जेजे हॉस्पिटल का बाहर का व्यू इस तरह से दिखता है गाइस। ये 6 फ्लोर की बिल्डिंग है और ये सबसे बड़ी बिल्डिंग मानी जाती है हॉस्पिटल में। मुंबई का ये गवर्नमेंट हॉस्पिटल है जो सबसे बड़ा हॉस्पिटल है। देखते हैं अंदर साइड ये कैसा है। तो इन साइड मैं जा रहा हूँ, तो आपको राइट साइड में ये मूर्ति दिखेगी और ये 6 फ्लोर की बिल्डिंग है, सो मुझे अभी चल के ही जाना पड़ेगा गाइस। देखते फ्लोर मैं चल के जाऊंगा, मैं लिफ्ट से नहीं जाऊंगा। ये 6 फ्लोर आ गए गाइस। और ये ऊपर से अगर आप देखेंगे तो इस तरह से दिखता है ये नीचे का जो गार्डन है ये जो हॉस्पिटल का, और ये बड़ी बिल्डिंग भी है उसके सामने सामने। ये पार्किंग है जो डॉक्टरों के लिए रिजर्व रहती है। ये मोहम्मद अली जो एरिया है जिसे भेंडी बाजार कहते हैं, ये वो वाला एरिया गाइस। और ये जो रोड दिख रहा है मोहम्मद अली फ्लाईओवर है, जो ये भाईकाला से सीधा, ये जो भाईकाला स्टेशन है यहाँ से सीधा अपने वीटी स्टेशन की तरफ चला जाता है गाइस। और ये वो वाला फ्लाईओवर है जो जेजे हॉस्पिटल के 6 फ्लोर से आपको आराम से दिखेगा। कुछ कंस्ट्रक्शन चल रहा है, कुछ बिल्डिंग भी है। आपको अगर जेजे हॉस्पिटल आना पड़ेगा तो आप भाईकाला स्टेशन से आ सकते हैं, वहां से 10-10 रुपए में आपको शेयरिंग टैक्सी मिलेगी। इनकेस अगर आप हार्बर लाइन से आ रहे हो तो आपको सैंडस रोड उतरना पड़ेगा, वहां से 10-10 रुपए शेयरिंग टैक्सी वहां से भी मिलती है। अगर आप वीटी स्टेशन से आ रहे हो या फिर वीटी स्टेशन पे उतर गए तो वहां से अगर मीटर पे भी टैक्सी करोगे तो मिनिमम वहां पे 20 या 25 रुपए मीटर हो जाएगा और वो आपको जेजे हॉस्पिटल तक छोड़ देगा गाइस।